हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फूटू की सब्जी, जो देसी फूटू सब्जी है, प्राकृतिक निकलता है, खेतों में, पहाड़ी जंगलों में मिलता है, ये अपने आप से निकलता है और ये बहुत अच्छा लगता है। ये छत्तीसगढ़ का लोकल सब्जी है और बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम बहुत बार पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी लगा रहता है, तो मिट्टी को हम बहुत बार पानी में धो लिए हैं और उसके बाद हम इसको ऐसे करके काटेंगे, ऐसे चार भाग में कर लिए, फिर इसको ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा में ऐसे करते जाएंगे। फिर ऐसे लेंगे, एक और दिखा देती हूँ, फिर इसको भी ऐसे चार टुकड़ों में कर लेते हैं छोटा छोटा, फिर ऐसे इसी तरह से हम सारी फूटू को ऐसे करेंगे। इसको हमने कुनकुना पानी में एक बार फिर से धो लिया है और कढ़ैया गरम करके इसमें 5 चम्मच छोटी चम्मच में तेल डाल दिया है। अब तेल गरम हो गया है, इसमें हम पहले लहसुन की करी 10-12 दो दो टुकड़े में कर लिए हैं। फिर इसके बाद हम प्याज डालेंगे, 200 मध्यम आकार के प्याज है और 6 छोटी छोटी टुकड़ों में हरी मिर्च काट लिए हैं। इसको ब्राउन होते तक तलेंगे। अभी हमारा प्याज मिर्ची लहसुन डाले हैं, वो तो हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें एक फूटू को डाल रहे हैं। इसको चम्मच चला दिए हैं, अब ढक्कन लगा के हल्का आंच में पकाएंगे। इसको हम 15 मिनट करीब पका लिए हैं और इसका मसाला भी, तेल भी छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। और इसमें नमक कम लगता है, बहुत कम मात्रा में नमक डाल रहे हैं, 1/4 चम्मच नमक और 3 मीडियम साइज का टमाटर है, इसको डाल रहे हैं। इसको बारीक बारीक काट लिए हैं टमाटर को और गलने के लिए थोड़ा देर छोड़ देते हैं। ढक देते हैं ढक्कन। हमारा टमाटर गल गया है। इसमें हम थोड़ी सी 1/2 चम्मच करें गरम मसाला डाल रहे हैं और इसमें चम्मच चला देंगे और 1 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। बस 1 मिनट ढक के रख देंगे, फिर हमारी फूटू की सब्जी तैयार है। हमारी फूटू की सब्जी बन गई है, तैयार है खाने के लिए। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ
खा सकते हैं। ये लोकल फूटू है और ये सिर पर जुलाई और अगस्त में बारिश होता है तभी निकलता है। एक साल में एक ही बार आता है। और इसका सावधानी ये है कि जैसे फूटू में बहुत मिट्टी लगा रहता है, लाते हैं तो उसको कम से कम जितने 5-6 बार तो कम से कम मिट्टी के निकलते तब उसको अच्छे से धो लेना है और फिर छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में काट लेना है। फिर कुनकुना पानी में एक बार और फिर से धो लेना ताकि मिट्टी मत आए। मिट्टी आने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और खाने में इतना टेस्टी है, बनाने में भी इतना ईजी है। एक बार अभी खाए रहते हैं तो साल भर सोचते रहते हैं कब फूटू आए, कब फूटू आए। धन्यवाद।